अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन का बटन है इसे क्लिक कर दें, इससे मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है कि आप लोग सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार मीठे की रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ अंडों और नारियल का हलवा, एग कोकोनट हलवा। बहुत ही मज़ेदार ये हलवा बनता है, बहुत बेहतरीन बनता है। और अक्सर मैं अपने घर में जब मेरा दिल चाहता है या मेरी फैमिली का दिल चाहता है तो मैं ये घर में लाजमी बनाती हूँ। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी अंडों और नारियल का हलवा। और जो मीठे खाने के शौकीन हैं उनके लिए ये बेहतरीन ऑप्शन है, आप घर में ये लाजमी बनाइएगा। बहुत ही मज़ेदार ये हलवा बनता है। तो चलें मैं आपको बता देती हूँ कि हमें अंडों और नारियल के हलवे के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। चार अंडे ले लें, बड़े साइज़ के मैंने अंडे ले लिए हैं। ये डेसिकेटेड कोकोनट है, ठीक है, ये मैंने लिया 3 टेबलस्पून। ये इजीली मार्केट से मिल जाते हैं, इस तरह से ड्राई होते हैं। घी आपको चाहिए होगा 1/2 कप। पिसी हुई चीनी ले लें 3/4 कप, 1/4 कप। आप 1 कप भी ले सकते हैं अगर आप मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। ड्राई मिल्क पाउडर 3 टेबलस्पून। बेसन 1 टेबलस्पून। 4 मगज ले लिए मैंने 1 टेबलस्पून जितने। थोड़े से मैंने आलमंड ले लिए, उनको बारीक चॉप कर लिए। किशमिश 1 टेबलस्पून, इसको मैंने आधा घंटा पहले पानी में भिगो दिया था। येलो फूड कलर चाहिए होगा 1-2 पिंच, 2 चुटकी। और इलायची का पाउडर चाहिए होगा 1/2 टीस्पून। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं अंडों और नारियल का हलवा बनाना। तो ये देखिए, सबसे पहले अंडे ले लेंगे और अंडों में ऐड करूंगी मैं येलो फूड कलर 2 चुटकी। तो येलो कलर मैंने ऐड कर दिया और अब इसको हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे अंडों को। तो ये देखिए, येलो फूड कलर और अंडों को मैं अच्छी तरह से बीट कर रही हूं कि दोनों आपस में मिक्स हो जाएं। तो मिक्स कर लिया मैंने, अब मैं इसमें ऐड करूंगी पिसी हुई चीनी 3/4 कप। 1/4 कप मैंने चीनी ले ली है पिसी हुई। पिसी हुई चीनी ये है कि जल्दी से डिजोल्व हो जाती है, इसलिए मैंने पिसी हुई चीनी ली है। तो ये मुझे बर्तन थोड़ा छोटा लग रहा है तो मैं एक बड़ा बाउल ले लेती हूँ। बड़ा बाउल ले लिया, इसमें तमाम मिक्सचर में डाल रही हूँ। और अब क्या करेंगे, हम इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से बीट कर लेंगे विस्क से। और साथ ही मैं ऐड कर दूंगी इसमें इलायची का पाउडर, डेसिकेटेड कोकोनट मैंने ऐड कर दिया साथ ही। अब मैं तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। और व्यूवर्स, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन का बटन होगा उसे क्लिक कर दें। तो ये देखें, अब मैंने एक कढ़ाई चूल्हे पर रख दी है और इसमें मैंने घी ऐड कर दिया है। फ्लेम मैंने मीडियम से कम रखी हुई है, हाई फ्लेम पे हमने हलवे को नहीं बनाना वरना ये जल जाएगा। घी को अब मैं मेल्ट करूंगी। घी मेल्ट हो चुका है और अब मैं इसमें ऐड करूंगी बेसन। 1 टेबलस्पून बेसन लिया मैंने। फ्लेम को मैंने मीडियम से कम रखी हुई है, लो फ्लेम पे हम बेसन को भूनेंगे
जब हल्की हल्की आपको खुशबू आना शुरू हो जाएगी इसमें से, आपने बेसन को जलाना बिल्कुल नहीं है। बेहतर है कि आप लो फ्लेम पे ही बेसन को कुक करें, और जब खुशबू आना शुरू होगी तो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी अंडों वाला मिक्सचर। तकरीबन लो फ्लेम पे हमें 1 मिनट लगेगा बेसन को भूनने में। तो अब मुझे हल्की हल्की खुशबू आना शुरू हो गई है, और अब मैं इसमें ऐड करूंगी अंडों वाला मिक्सचर। फ्लेम को मैंने लो कर दी है, और ये तमाम मिक्सचर मैंने अंडों वाला मिक्स कर दिया है बेसन में। अच्छी तरह से मिक्स करूंगी लगातार, जल्दी से हमने मिक्स करना है वरना क्या होगा, गुठलियां बन जाएंगी। तो ये देखें अच्छी तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ अंडों को, और साथ ही ऐड कर देंगे इसमें ड्राई मिल्क पाउडर, और लगातार मैं इसे जल्दी जल्दी मिक्स करूंगी ताकि इसमें गुठलियां ना बनने पाए। और अब मैंने इसमें ऐड कर दी आलमंड, और 4 मगज भी साथ ही ऐड कर दिए हैं ताकि ये भी अच्छी तरह से हम भून लें। और किशमिश भी मैंने इसमें ऐड कर दी है, थोड़ी सी किशमिश मैं बचा लूंगी गार्निश के लिए। तो व्यूवर्स अब हमने क्या करना है, फ्लेम मैंने थोड़ी सी लो से ज़्यादा कर दी है, और इसको अब हमने भूनना है लगातार स्पून से चलाते हुए जब तक कि मिक्सचर थिक ना हो जाए। ये देखें थिक होना शुरू हो गया है, और जब तक घी बिल्कुल अलग आपको नज़र ना आना शुरू हो जाए, आपने इसको लगातार इसी तरह से भूनना है मीडियम फ्लेम पे। जब ऑयल अलग हो जाएगा घी, तो हम इसकी भुनाई को ख़त्म कर देंगे, और ये हमारा अंडों और नारियल का हलवा जो है बनके रेडी हो जाएगा। बहुत ही शानदार ये हलवा बनता है, बहुत मज़ेदार बनता है। और मैंने जो आपकी इसकी मैंने आपको हलवे की क्वांटिटी बताई है, बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी है, ठीक है। और अगर आप ज़्यादा हलवा बनाना चाहते हैं तो क्वांटिटी को डबल कर दीजिएगा। तो व्यूवर्स ये जो हलवा है तकरीबन 3 से 4 अफराद के लिए काफ़ी है। तो ये देखिए मैं लगातार इसकी भुनाई कर रही हूँ, जैसे ही घी अलग हो जाएगा हमारा जो हलवा है वो रेडी हो जाएगा। तो ये देखें व्यूवर्स घी अलग हो चुका है, हलवा हमारा रेडी हो चुका है। इसे अब मैं डिश आउट करती हूँ, चूल्हा मैं बंद कर रही हूँ नीचे से। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, आपको मैं बता नहीं सकती। तो ये देखें डिश आउट कर दिए, ऊपर मैंने थोड़ा सा चांदी का वर्क लगा दिए। अब मैं थोड़ी सी गार्निश कर लेते हैं। ये मैंने किशमिश डाल दी ऊपर से, थोड़े से चॉप बादाम डाल रही हूँ। आप कोई से भी ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है, बहुत मज़ेदार ये हलवा बनता है, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और आज की वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकॉन का बटन होगा उसे क्लिक कर दें, इससे क्या होगा मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिलेगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।